दान। और मैंने आज ब्लॉग थोड़ी लेट स्टार्ट किया है, बज गए 11। ओहो डरा दिया इन्होंने बच्चे को। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्टिंग हो चुकी है, सुबह हो चुकी है और हर्ची मेरी उठ गई है और उठते ही खेलना स्टार्ट हो गया है। गुड मॉर्निंग हर्ची, अभी अभी उठी है और कॉलिंग कर रही इधर से उधर, कॉलिंग कर रही है। तो अभी पीते हैं चाय वाय। ऊपर पंखा चलता है, नीचे हर्चू छोती है, छोटे छोटे नींद लगी, खाले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना। देखो कैसे कर रहा है यार्चू, मेरा कैसे कर रहा है। चुबा चुबा लो शिव का नाम, पूरी होंगे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं तो इसको हनुमान चालीसा भी पढ़ाता हूँ ना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हर हर महादेव। अभी एकदम वो है, नींद में है थोड़ा सा, तो कभी इधर कुछ वो कर रही है, कभी उधर कर रही है। अभी पूरी तरीके से नहीं उठी, अभी एक्टिव नहीं हुई है, पर स्माइल देना स्टार्ट कर दी। इधर से यहाँ सो रही थी, इधर से हो गई। हर चीज़ होती है अब दादा दादी के साथ ना, इसको अच्छा लगता है दादा दादी के साथ। अभी बोल रही है वाह वाह, क्या कह रही है अर्चू, वाह वाह वाह, ये मेरे पास चढ़ जाएगी। देखो अभी अपने अभी छोटी सी, देखो कितना मेरा इतना बड़ा मुंह है, इसका कितना छोटा सा, कितना छोटी सी पुतू है, वो तो छोटी सी है, छोटी सी पुतू है, छोटी सी पुतू है, छोटी सी जानती है मेरा ब्लॉग बन रहा है। बारिश बुलाती पता है, ये बारिश बुला देती है। वो आज भी बहुत अच्छा है, धूप आई है बाहर, तो धूप आई है तो मैंने बहुत सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं बाहर, और कल के भी बहुत सारे कपड़े थे वो भी मैंने बाहर धो के डाल दिए हैं। और हर्षी कर रही है अपनी मस्ती, और मैंने आज ब्लॉग थोड़ी लेट स्टार्ट किया है, बज गए हैं 11। तो ब्लॉग किया है मैंने जोई भात से स्टार्ट, तो आज हमारा बन रहा है जोई भात। हर्षी के लिए बना रहे हैं हम चावल का मार, और वहां फुदक रही है वो, देखो कैसे फुदक रही है, कह रही मम्मा मैं भी आपके संग ब्लॉग बनाऊंगी। देखो तो आज मैं क्या करती हूँ, देखो आज मेरे को बहुत सारा काम आज भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी रखे हैं चावल, हर्षी के लिए निकालना है मार, तो अभी चावल का मार निकाल के मैं झोली बना लूंगी, उसके बाद रख दूंगी, फिर मैं बनाऊंगी मम्मी की आईब्रोज, उसके बाद मैं भी जाऊंगी अपनी आईब्रोज बनाने। अभी टाइम है बहुत सारा, 12 बजे तक मुझे बहुत सारा काम करना है। हर्षी मुझे बार बार देख रही है, मैं अंदर को चले जाती हूँ, मुझे ऐसे करके देख रही है, झकनी ये झकनू हो गई है, इसी से बात कर लेते हैं। चलो ये क्या कहना चाहती है, तो गाइस आप क्या कहना चाहती हो? मुझे पता था ये मेरे बाल पकड़ेगी, देखो बिना मतलब की बारिश को बुलाने में लगी हुई है, बिना मतलब की। अपना तो हगीज पहन के बैठ जाएगी, उसको फुल कर देगी ये, नहीं फिर कपड़े कहाँ सूखेंगे, हमारी मम्मा और दादी कहाँ सुखाएंगे मेरे कपड़े। होश खबर नहीं है लड़की को, होश खबर। देखो 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 मेरे बाल खींच रही है बहुत चालू, और नीचे से इसने कर दिया काम, समझ लो क्या काम किया होगा। देखो कितनी सतानी करती है अब। अच्छा खींच के दिखा, फिर दिखा दिखा दिखा, अच्छा पकड़ के दिखा, ले ले पकड़ ले पकड़। तभी दादी ने आज इसकी जूड़ा बना रखा है ताकि हल्की बॉल ना खींचे, देख लो खुद कितनी सतानी करती है ये। अब दादू से पंगा करने लगी है, वहां पापा को भी देख रही है। बाय हर्षी। अरे बाप रे हर्षी कितनी देर तक चिल्ला रही है।
तो चलो देखती हूँ चावल। तो गाइस अब हमारा हरेला हो गया है बड़ा, मैं दिखाऊंगी तुम्हें। और आज कितनी तारीख है, 15 तारीख है और आज हर्षी को 14 आठ महीने पूरे हो गए हैं। आज 14 है पकड़, आज 14 तारीख है, आठ कल हर्षी को, एक मिनट चेक करके बताती हूँ। तो हर्षी को कल 8 महीने पूरे हो जाएंगे और हर्षी का कल 8 मंथ बर्थडे होगा। अब हर्षी को फिर 9th मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और मम्मी की मिल गई साड़ी, ये देखो मम्मी लगा रही है साड़ी में फॉल, उसको फिर मैं पहनूंगी। नई साड़ी ली है बिल्कुल, एकदम से हरी साड़ी पहनेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या दिखा रही हूँ, सोचो। ये देखो हमारा हरेला, ये हमारा हरेला है, हरियाली हरियाली हो गई है। तो आज कितने दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए, 7-8 दिन में हरेला इतना बड़ा हो गया है हमारा, पीला पीला हो रहा है ये, वैसे पीला हो रहा है लेकिन इसमें मोबाइल में थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अब इसको ढक नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बड़ा हो गया ना, इसके पत्ते पुत्ते कहीं टूट जाएंगे। और मैं जा रही हूँ अब दही लेने, झोई भात बनाना है ना, आपको बताया था मैंने, तो चलो मैं चलती हूँ दही लेके आती हूँ, झोई भात बनाती हूँ, उसके बाद साड़ी वाड़ी में फॉल लगेगा, उसके बाद मैं साड़ी पहन के स्टाइल मार के। हर्षी बाय। अब हर्षी थोड़ा सही है, ठीक है, फिर भी बादल लगे हुए हैं, ऊपर अंधेरा हो रहा है और मैंने तो सारे कपड़े जितने थे आज सारे धो दिए हैं। ये है क्या मम्मी, मैं इसको डालती नहीं था ना, वो देखो सूखा है पीला वाला, इसके परछाने का। ये तो अभी धोया है, गीला ही होगा। हाँ हाँ अभी तो गीले ही है, सब गीले हैं अभी, ये सारे अभी तो धोए हैं। नहीं मैं यहाँ नहीं डालती यार, सूख ही जाएगा, वैसे हल्की हल्की धूप आ रही है, धूप की वजह से कल हमने कपड़े मतलब अंदर ही रखे हुए थे, इसलिए आज पूरे देखो बाइक में भी पूरे कपड़े डाले हुए हैं, गेट में भी, तारों में भी पूरा भर दिया है। आज मैंने थोड़े ज़्यादा कपड़े धो दिए, तो थोड़ा जिस दिन मैं ज़्यादा कपड़े धो देती हूँ ना तो थोड़ी वो होता है। मौसम दिखाती हूँ आपको, ये खुल गया मेरा गेट, राजकुमारी बाहर से बैठी हुई है। मौसम तो ठीक ही हो रहा है, सामने घर बन रहा है, एक हमारे बगल में घर बन रहा है और सामने वाली दुकान वो बंद है, अब कहाँ जाऊँ, वहीं जाना पड़ेगा। चलो चलती हूँ, मौसम भी आपको दिखाते रहती हूँ। एक जगह पर यहाँ पे एलोवेरा लगा हुआ है बड़ा सा, वो देखो अरे कितना अच्छा फूल खिला है यहाँ पे, आज तो फिर से फूल लगा दिए छोटे छोटे, ये साफ करके देखो कितना प्यारा लग रहा है फूल, ये भी फूल खिल रहा है और ये वाला फूल भी खिल रहा है सुंदर सा। और हमारी कलोनी ना बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, मतलब एकदम क्लीन एंड क्लियर अच्छी है, ये देखो मस्त एकदम। एक भाभी ने ना घर के अंदर दुकान खोली है तो मैं वहीं जा रही हूँ, देखो सारे फूल ही फूल लगे हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे फूल हैं, फूल फूल ये पर्पल कलर का बहुत प्यारा लग रहा है, डार्क पर्पल कलर है, सारे फूल ही फूल हैं। ये देखो कैसे उंगली डाल के मुंह में बैठा है, ये भी बच्चा उंगली पीता है, ये देखो इसका भी वीडियो बना लेती हूँ। हाँ शेम शेम, क्या देखूं, टीवी, अच्छा टीवी देखूं, टीवी चल रहा है इसका और मुंह में उंगली डाले की बानी की तरह। अरे ये देखो छिटकी को, हाय देखो स्माइल करती है, अच्छी बच्ची है ना, ये तो घुटने से भी चलने लग गई। भाभी वो दे दो दही, ये भाभी की छोटी सी दुकान है जो घर पे भाभी ने खोल रखी है, वो यूट्यूब पर बनाना, ये देखो हाँ नाम बता लो, मुझे बड़ा दही चाहिए थे वो बनाने के। तो मेरी बन गई है देखो झोई, झोई भात बन गया है हमारा, ये देखो मैंने झोली बना दी है और चावल वो बने हुए हैं। अब मैं डालती हूँ इसमें धनिया,
एकदम स्वाद आ जाएगा धनिया डाल के। वाओ मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो अभी से। मेरे झोली भात बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने प्याज वाली झोली बनाई है, इसमें वो पकौड़ी वाली झोली नहीं बनाई क्योंकि मेरे को बेसन की, बेसन का जो बेसन की चीज़ें हैं वो कम खानी है। तो झोली भी मेरी बन गई है ये देखो, और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है ये देखो। अब हम खाएंगे झोली भात, दिन का खाना मेरा तैयार है। मैं इसको बंद करके रख देती हूँ और बनाती हूँ मम्मी की आईब्रोस। सारे बर्तन यहाँ पड़े हैं, इनको भी लगाने हैं। इसको पहले पूरा बंद करके अच्छे से रख देती हूँ। ये मैंने बंद करके, ये देखो। तो गाइज मैं जा रही हूँ आईब्रो बनाने। तो गाइस मैं जा रही हूँ आईब्रो बनाने, अभी मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। वहाँ पर से वो आता है ना टुक टुक, तो उसमें चली जाऊंगी। गाइस देखो मेरी आईब्रो एकदम से बन गई है, मस्त से एकदम अच्छी बनी है। मैं अपनी आईब्रो हमेशा दीदी से ही बनवाती हूँ। ये बैठी है दीदी सामने, बस वो हल्की सी वो मुस्कानी कर देंगी, उनको ज्यादा कुछ आता नहीं है ना स्माइल करना। ट्रेनिंग दे रही है इस समय ब्लॉग्स बनाने की। ब्लॉग्स उनके हस्बैंड बनाते हैं, लेकिन ये कोशिश कर रही है कि शायद ये भी बना पाए। वैसे भी आप सारे ब्लॉग्स मैं ही बनाती हूँ, इनको पता नहीं है। ये थोड़ा लेट हो चुकी है इनको पता करने में, अपने आप को पता देने में। ये भी देखती नहीं है ना, तो ये बहुत बिजी है। बिजी लेडी, ये बिजी लेडी है। इन्होंने मुझे ऑफर किया था लेकिन मैं आ नहीं पाई। अब मैं सोची हूँ अपने एक बार दिल्ली जाके आ जाऊँ, 20 तारीख का जो है टारगेट है वो पूरा करके आ जाऊँ। उसके बाद मैं फिर से दीदी के पास आऊंगी, दीदी के पास आने की सोचूंगी। हाँ पहले ठीक हो जाओ फिर आ जाओ, मेन तो यही है। हेलो गाइस, तो गाइस मेरा सारा काम हो गया है और मैंने बना दिया पनीर कोफ्ता। नहीं नहीं कोफ्ता, कोफ्ता भूल गई, लौकी का कोफ्ता। और देखो इसको नहीं दिखा सकती, इसने कपड़े नहीं पहने, बस ये जब भी आते हैं नंगे आते। तो गाइस यहाँ म्यूजिक चल रहा है दोनों बाप बेटी का, तो एक गाना सुना रहे, देखते हैं कितना इंप्रेस होती है हर्षी अपने पापा से। ओह माय गॉड इंप्रेस हो गई। ओहो ओहो डरा दिया इन्होंने बच्ची को। बच्ची डर गई भाई इनके गाने से, तो ये गाना फ्लॉप हो जाता है। कैसा गाना सुनाया अपनी बच्ची को, का जन्मों का बंधन। मुझे तो हंसी आ रही, हंसी का मुंह देखो रोने वाला हो रहा है, हंसी रहना नहीं चाहती। मम्मी अपने और हमारा बन गया है फेवरेट खाना, देखो वाओ ये बने ही कोफ्ते। और मैंने अभी जल्दी जल्दी इमीडिएटली वो बना दिया, सिमई की खीर बना ली थी फटाफट से, और मम्मी खाएगी कढ़ाई में, आपको दिखाती हूँ कैसे खाती है। मम्मी खा रही कढ़ाई में, तुम उसे कितनी वो टॉयस ला के दे दो उसका नहीं भरेगा मन। दूसरा गाना सुनाएंगे डैडी, मम्मी को देख के रोता है इसकी मम्मी बीच में।